इंस्टीट्यूशनल या शुगर ग्रुप ऑफ कुकिंग एंड पेस्ट्रीज क्लासेस कोल्हापुर में हम टोटल 50 प्लस कोर्सेज कंडक्ट करते हैं कुकिंग के और बेकिंग के, तो वेज और नॉन वेज हम दोनों भी क्लास में सिखाते हैं। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जिसका नाम है गाजर का हलवा। तो चलिए हम घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उसी के साथ हम गाजर का हलवा बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करके लिया है, तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 4 टेबल स्पून घी लेंगे। हम यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। ओके, एक थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपको डालना है यहाँ पर आलमंड। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो गया, अब हम इसे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि तली जल ना जाए। अब मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम कम करती हूँ। चाहिए तो आप थोड़ा सा चीनी ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। ओके, अब हम ये अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स होके ये रेडी है। अब हम इसके ऊपर एक 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। अभी हमारा चीनी थोड़ा से पानी छोड़ा है। अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। यहाँ पर दूध मैंने लिया है 200 ml। यहाँ पे आपको भी 200 ml ही डालना है। आप इसे आप साइड में फ्रीजर में रख के आप थोड़े दिन के बाद भी खा सकते हो। फ्रीजर में आपको रखना है, इसमें का आपको निकाल के फ्रीजर में रखना है और उसके बाद आपको जब चाहे आप उसमें से खोया ऐड करना है और उसके बाद आपको मिक्स करके सिर्फ गर्म करके उसे सर्व करना है। अब हम यहाँ पे दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने दूध डाला 200 ml। इसे दूध से थोड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्टी भी लगता है। अब इसे हम लो फ्लेम पर इसे ढककर रखेंगे सिर्फ 7 मिनट के लिए। इसे 7 मिनट के लिए ढक के रखना है लो फ्लेम पे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अब हम इसे निकाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा स्मेल भी आ रहा है और मस्त कलर भी आया है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। यहाँ पे मैंने खोया लिया है 150 ग्राम। आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो या डाल भी सकते हो। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम डाला है, इससे थोड़ा सा और जरा अच्छा फ्लेवर आता है।
कर भी डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर इलायची पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो इसे ऐसे हिलाते रहना है अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने फ्लेम थोड़ा सा कम किया है। इसे आपको मिक्स ऐसे ही थोड़ा सा धीरे 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 हिलाते ही रहना है, सिर्फ 5 मिनट। अच्छी तरह से मस्त और जूसी हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। तो मस्त स्मेल आ रहा है, आप इसे जरूर ट्राई करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि हमारे कौन से वीडियो अपडेट होते रहेंगे। दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे कम से कम 7 मिनट हो गए। अब हम इसे निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम प्लेटिंग करेंगे। एकदम मस्त हुआ है, आप इसे जरूर ट्राई करना घर पर। ओके, अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। अब मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। गाजर का हलवा रेडी है।